1946 का समय महत्वपूर्ण है, कुछ साथी जरूर जानते होंगे कि उस समय पे बाबा साहब बहुत निराश और हताश हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नया संविधान बनने वाला है, उस संविधान में हमारा क्या स्थान होने वाला है, क्या हजारों साल से जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको दोबारा से इस देश का शासक बना दिया जाएगा, हमारी क्या स्थिति होने वाली है। तो लेट मी रिमाइंड यू, इन दैट क्राइसिस बाबा साहब मेड इन स्टेटमेंट कि अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, हम उनको बता दें कि हम बहुत अच्छे से बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वी यूज दैट वर्ड, और हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय पे दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर, पुणे के अंदर, नागपुर के अंदर, बॉम्बे के अंदर जबरदस्त आंदोलन हुए, शायद कम जानकारी हो लोगों को, कम से कम 16-17 लोग हमारे उस समय में मारे गए संविधान सभा में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए। ये तो हम जानते हैं कि 46 में बाबा साहब चुन के किस परिस्थिति में बंगाल से आए थे, जैसे और खुलना से आए थे, और किस तरीके से शरारतपूर्ण तरीके से उन जगह को पाकिस्तान के अंदर दे दिया गया था, जबकि वहां पे कम से कम 52% लोग शेड्यूल कास्ट के, सिर्फ शेड्यूल कास्ट 52% लोग, लेकिन बाबा साहब की सीट वहां पे चली गई। इसलिए क्योंकि एक दबाव भी था, सिस्टम का भी दबाव था, अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आजाद हो रहे थे सारे के सारे, इसलिए उस सिस्टम के दबाव को, और मैं कहूंगा कि बहुत तक अंग्रेजों के दबाव की वजह से जैकर और दूसरे साथी जिन्होंने भी अपनी जगह छोड़ी, हम उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान चीज नहीं थी कि उन्होंने बहुत खुश होकर दे दिया हो, वो बाबा साहब की विद्वता, उनका संघर्ष, उनका बलिदान और परिस्थितियों की वजह से था कि चीजें वहां तक पहुंची। बाबा साहब, संविधान और वर्तमान परिदृश्य, ये विषय ही अपने आप में संकेत करता है कि ना तो भारत का कोई भविष्य है, ना भारत का कोई वर्तमान है, अगर उसमें डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। साथियों, अगर पिछले 70-80 साल या यूं कहें कि 1932 से अब तक के समय को अगर हम देखें, तो भाई नागपाल जो बात कह रहे थे, जो दर्द बता रहे थे कि 1932 के बाद से, 1932 क्यों, क्योंकि एक बड़ा माइलस्टोन है 1932 का, पूना पैक्ट वाला, कॉमनल अवार्ड वाला, गांधी के साथ बाबा साहब के विवाद और झगड़े का एक बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद से भारत की तस्वीर बदलती है। बाबा साहब और महान होते जाते हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि 1932 से पहले बाबा साहब का बहुत संज्ञान यहां की मनुवादी व्यवस्था ने नहीं लिया था, लेकिन जब लंदन बाबा साहब जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उस समय में जब पूरी दुनिया को इस व्यवस्था की गंदगी से रूबरू कराते हैं, जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो अन्याय अत्याचार अपमान की परंपरा है, जब पूरी दुनिया को और वहां के जिम्मेदार साथियों को, भारत के भी जिम्मेदार साथियों को, जब जाति व्यवस्था की गंदगी से रूबरू कराते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह की बात जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। उस समय पे वो शायद 30 नवंबर 1931 की बात है, जब भाई सुन लीजिए आप, जब बाबा साहब अपनी बात वहां पे रखते हैं, उस समय पे उस सभा के अंदर सयाजी राव गायकवाड़ भी थे। सयाजी राव गायकवाड़ वो व्यक्ति थे जो बाबा साहब को कोलंबिया भेजते हैं, उनकी महारानी भी उनके साथ थी। शाम को सयाजी राव गायकवाड़ जब अपने महल में पहुंचते हैं, तो अपने गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, तो उस समय पे मैडम से कहते हैं कि मैंने डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा था, आज डॉक्टर अंबेडकर की बात को सुन के,
क्योंकि एलिजाबेथ भी थी वहां पे, रेमजे मैकडोनाल्ड भी थे, सारे लोग थे, पूरी दुनिया का मीडिया भी वहां पे था। वो कहते हैं कि आज मुझे बहुत सुकून मिला कि मैंने एक पात्र व्यक्ति को, एक योग्य व्यक्ति को फेलोशिप दिया, और इसने, मुझे पूरा यकीन है कि जो फेलोशिप आज तक मैंने दिए थे उनमें ये व्यक्ति सबसे योग्य शामिल होगा। इन्होंने अपनी उस पात्रता को सिद्ध घोषित कर दिया है। तो उसके बाद से आप पूरे झगड़े को जानते हैं क्या हुआ अगली कॉन्फ्रेंस में, और गांधी के साथ झगड़ा हुआ, और फिर कॉमनल अवार्ड घोषित होने से पहले ही जब बाबा साहब लंदन से वापस आते हैं तो बाबा साहब को विभिन्न स्थानों पर जातिवादी मानसिकता के लोग, खास तौर पे कांग्रेस के लोग, बाबा साहब को काले झंडे दिखाते हैं। उन पूरे देश के अंदर मीडिया ने बाबा साहब को बहुत दुष्प्रचारित किया, उनकी बहुत ज्यादा चरित्र हत्या करने का प्रयास किया, और उसके बाद से माहौल बन नहीं पाया। कर बीच में आके थोड़ा सा जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय पे जरूर थोड़ा सा एक मनमुटाव कम सा नजर आता है, लेकिन एक साथी शायद सत्येंद्र जी इस बात को बोल रहे थे, मैं याद दिला दूं कि 1946 में, क्योंकि अंग्रेजों को अफरा तफरी थी, अंग्रेज भाग रहे थे, देश से भाग रहे थे, 1943 में अंग्रेजों ने बाबा साहब से ये वादा किया था कि वो 20 साल के अंदर यहाँ की जो अछूतों की समस्या है उसका परमानेंट सेटलमेंट करेंगे, उसका कुछ ना कुछ इस तरह का सेटलमेंट करेंगे कि समस्या समाप्त हो जाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार होते होते, उसके खत्म होते होते अंग्रेजों को यहाँ से भागने की जल्दी थी, इसलिए बाबा साहब का वो लगभग साथ छोड़ रहे थे। 1946 का समय महत्वपूर्ण है, कुछ साथी जरूर जानते होंगे कि उस समय पे बाबा साहब बहुत निराश और हताश हो गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नया संविधान बनने वाला है, उस संविधान में हमारा क्या स्थान होने वाला है, क्या हजारों साल से जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं उनको दोबारा से इस देश का शासक बना दिया जाएगा, हमारी क्या स्थिति होने वाली है। तो Let me remind you, in that crisis, Baba Sahab made an statement कि अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, अंग्रेज ये ना सोचे कि हम उनकी दया पे निर्भर हैं, हम उनको बता दें कि हम बहुत अच्छे से बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, he used that word, और हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय पे दिल्ली के अंदर, कानपुर के अंदर, पुणे के अंदर, नागपुर के अंदर, बॉम्बे के अंदर जबरदस्त आंदोलन हुए, शायद कम जानकारी हो लोगों को, कम से कम 16-17 लोग हमारे उस समय पे मारे गए संविधान सभा में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा स्थान क्या होगा। पूरे देश के अंदर बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, अंग्रेजों के खिलाफ भी पूरा आंदोलन उन्होंने चलाया करने। उसी समय पे जो एक इनफेमस स्टेटमेंट पटेल के बारे में कहा जाता है कि मैंने दरवाजे बंद कर दिए, मैंने खिड़कियां बंद कर दी, ये लगभग उसी समय की बात है। कांग्रेस तो नहीं चाहती थी किसी तरीके से, लेकिन बाबा साहब क्योंकि एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे, वो यहां पे आंदोलन कर रहे थे और योग्य तो थे ही, उसी समय पे बाबा साहब लंदन जाते हैं। 1946 में लंदन जाते हैं, लंदन जाके रैमजे मैकडोनाल्ड से मिलते, लॉर्ड एटली से मिलते हैं, लॉर्ड एटली उस समय पे प्रधानमंत्री थे, चर्चिल से मिलते हैं, एलिजाबेथ से मिलते हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों से मिलते हैं, और उनको ये बात बताते हैं कि भाई जिस तरीके से आप भाग रहे हैं वहां पे आज भारत के अंदर 7-8 करोड़ जो खास तौर पे अनटचेबल्स एंड टाइबल्स हैं उनका भविष्य क्या होगा। उस समय पे ये सारे के सारे लोग उनको एंश्योर कराते हैं कि आप चिंता ना करें, हम इतनी आसानी से अनटचेबल्स और आप जिन कंसर्न्स को लेके बात कर रहे हैं उनको अनअटेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, दे विल बी सब्सटेंशियल पोजिशन फॉर यू। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हम जानते हैं कि 46 में बाबा साहब चुन के किस परिस्थिति में बंगाल से आए थे, जैसे और खुलना से आए थे, और किस तरीके से शरारतपूर्ण तरीके से उन जगह को पाकिस्तान के अंदर दे दिया गया था, जबकि वहां पे कम से कम 42-52% लोग शेड्यूल कास्ट थे, सिर्फ शेड्यूल कास्ट,
52% लोग, लेकिन बाबा साहब की सीट वहां पे चली गई। इसलिए क्योंकि एक दबाव भी था, सिस्टम का भी दबाव था, अभी ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से आजाद हो रहे थे सारे के सारे, इसलिए उस सिस्टम के दबाव को, और मैं कहूंगा कि बहुत तक अंग्रेजों के दबाव की वजह से जैकर और दूसरे साथी जिन्होंने भी अपनी जगह छोड़ी, हम उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान चीज नहीं थी कि उन्होंने बहुत खुश होकर दे दिया हो। वो बाबा साहब की विद्वता, उनका संघर्ष, उनका बलिदान और परिस्थितियों की वजह से था कि चीजें वहां तक पहुंची। वो एक समय था जिसमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिस्टम ठीक चल रहा था, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चला। आप जानते हैं कि 1951 तक आते ही भारत में पहले बाबा साहब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विचार के आधार पर, जो एक विचार के आधार पर, जो एक अपनी विचारधारा को मजबूती से लागू करने के आधार पर भारत के मंत्री पद से, कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र देते हैं। हिंदू कोड बिल के बारे में आप जानते हैं सारा का सारा, और वो किस तरह का कोहराम पूरे देश के अंदर मचा था, किस तरह का कोहराम। वहां पे जवाहरलाल नेहरू भी अपनी बात से पीछे मुड़ गए थे। आप जानते हैं कि संविधान, कैबिनेट के अंदर सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर कैबिनेट ने कोई बिल अप्रूव कर दिया है कि इसको लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करना है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट का वो बिल होता है, वो लॉ मिनिस्टर का बिल नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का बिल नहीं होता। सामूहिक जिम्मेदारी का हमारे यहाँ पे सिद्धांत है। लेकिन ताजुब की बात है कि बाकी के लोग जो कि कानून, जो कि कैबिनेट के सदस्य थे, उनको उस तरह का एहसास नहीं हुआ, उनके मन में इस तरह की पीड़ा नहीं थी, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया जब जवाहरलाल नेहरू के सामने या राजेंद्र प्रसाद अड़गई या इंडिया गेट पे बहुत सारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने शायद बाबा साहब का, मतलब भारत में पहला फूकने वाला पुतला वो बाबा साहब का, उनको धर्म भंजक और हिंदू धर्म का विध्वंसक और पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए, और उसके बाद से लगातार। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।